हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस न्यूज चैनल पर सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भाइयों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के मामले में हाई कोर्ट से परसों एक हमारे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ हमने आप तक पहुंचाई थी। उसमें हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर सोसाइटी से जवाब मांगा था। तो दोस्तों, आगे जो हमारे पास न्यूज़ आई है वह 1 फरवरी 2020 की दैनिक भास्कर के द्वारा लेटेस्ट न्यूज़ आई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि उनकी तरफ से ये जो हमारे पास आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। खबर सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में सरकार से हाई कोर्ट पे जवाब मांगा, निवेशक को राहत की उम्मीद। आगे खबर है, राज्य सरकार कठोर कदम त्वरित नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार ने ऐसे निवेशकों का धन बचाने के लिए बैंकिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट लागू कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने सिवाय समक्ष प्राधिकारी नियुक्त करने के अभी तक कुछ नहीं किया। जबकि एक्ट में निवेशकों का जमा राशि प्राथमिकता के दिलवाने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति कुर्क करने और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष अदालतों को स्थापित करने के भी प्रावधान है। पूरी खबर है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे लाखों रुपए की जमा पूंजी पाने को तरस रहे निवेशकों के लिए यह अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दायर एक याचिका में राज्य एवं केंद्र सरकार सहित RBI और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिकों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने नोटिस की एक प्रति सभी पक्षकारों को रजिस्टर्ड डाक से भेजने की छूट दी है। चित्तौड़ सहित प्रदेश के हजारों लोगों ने जीवन भर की कमाई आदर्श सोसाइटी सहित विविध सोसाइटियों में जमा कराई थी और वे ठगे की शिकार भी हो चुके हैं। चित्तौड़ जिले में आदर्श सहित विविध सोसाइटियों में करीब 150 करोड़ लोगों ने जमा कराए थे। अब तक पता चला है कि सोसाइटी में चीटिंग कर रही थी तो परेशान हैं। इसी प्रकार के एक मामले में हाल ही में न्यायाधीश अरुण संभाली की एकल पीठ ने एक याचिका लगी थी। इसमें बताया था कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 36 महीने के लिए ली थी। सोसाइटी द्वारा FD के मैच्योर होने पर 1.5 लाख रुपये देने का दावा किया गया। इस बीच SOG ने अप्रैल मई 2019 में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों का घोटाला उजागर किया है और उसके चलते सोसाइटी के मालिक गिरफ्तार हो गए। ऐसे में उनकी जमा राशि संकट में पड़ गई है। इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस वरुण संभाली ने सहकारिता विभाग समक्ष प्राधिकारी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन करने वाले केंद्रीय रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापकों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।